सामने एक मसला आपका यह बात जो है कि मिलाद करना अब हुजरत सलाम मस्जिद नबवी हजरत अली मां सादिया YouTube पर सिस्टेनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। जब उमर की सुने हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह अली का सलाम सलाम फिर क्यों ना आपकी मां से आपका मिलाद कर लिया जाए, फिर क्यों ना आपकी मां से आपका मिलाद कर लिया जाए। अगर वो मिलाद शिर्क होगा, अगर वो मिलाद बिदअत होगा, अगर वो मिलाद नाजायज होगा तो मुस्तफा मुजब्बिन की चादर को जमीन पे ला बिछा देगा। जमीन पर बिछा दिया और फरमाया मेरी माँ हलीमा इस पर खड़ी हो जाओ, इस पर बैठ जाओ और मेरा बचपना बयान कर। अगर शिर्क होता तो आपका चादर बिछा देते, नहीं बिछा देना। आप अली सलाम चादर बिछाई, हलीमा ने बचपना बयान किया, बेटे तुम नन्हे से थे, तुम इतने अच्छे थे, मैं तुम्हें लेके गई, तुम तो मैं गरीब थी, तुम्हें लेके गई, मालदार हो गई, मेरे शहर में खुशहाली आ गई, तमाम बातें बयान की। लेकिन वक्त इजाजत दे मेरा बिल्कुल बात है उनकी ताई तो इनसे भी कहूंगा, तो उनसे पूछ लेकर कहीं भी नहीं।
पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं नबी पर। आगे फरमाया जा अय्युहल लजीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालों, सुने लो तेरे क्या कहा, ए ईमान वालों, बेईमान ना सुने, ईमान वाले ही सुने। अल्लाह ने ईमान वाले सिखाए। आज हम मेरा मतलब में रट लगाते यार, वो सुनते नहीं, दुरूद नहीं पढ़ते, सलाम नहीं पढ़ते, अब पढ़ेंगे ये बताओ तो क्यों पढ़ेगी जब अल्लाह ने मना किया। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए हुक्म दिया है, ईमान वाले पढ़े। भाई सबर के लिए अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, तौबा के लिए अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, बेईमान क्यों करेगा। अब इस जमीन हट सकती है अपनी जगह से, कायनात रद्दो बदल हो सकती है, लेकिन मेरे अल्लाह ने कुरान में जो लिख दिया है वो अटल है। कायनात हट सकती है लेकिन कुरान नहीं मिट सकता। मोहब्बत करना, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्सलाम।